डिफॉल्टर्स हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा ही जो है प्रॉब्लम अभी के टाइम में हो रहा है डिफॉल्टर्स को। जितने भी डिफॉल्टर्स है ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था, कुछ वीडियोस बनाया था उसमें बताया था कि सब लीगल नोटिस इग्नोर करो, पर एक लीगल नोटिस आप इग्नोर मत करो। और जो लीगल नोटिस वो आ रहा है कोर्ट के तरफ से नोटिस आ रहा है उसको इग्नोर करना नहीं है। उसमें लिखा होगा समन टू एन अक्यूज्ड, लेकिन एक ऐसा नोटिस कोर्ट की तरफ से अभी आना चालू हो चुका है, ये 100% जो है ये कोर्ट की तरफ से ओरिजिनल नोटिस है। अगर ये आता है तो यहाँ पर भी आप लोगों के ऊपर एक्शन हो सकता है अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो तो। कौन सा ये नोटिस है आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को हर समय अपडेट देता ही रहता हूँ। जो भी नया चीज़ होने वाला है, हो रहा है, वो चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो भी परेशानियाँ हो रहा है उससे थोड़ा सा कम जो है होने वाला है परेशानियाँ, या फिर आप लोग उससे निकल भी सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिना स्किप किए सही तरीके का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो पूरा बिना स्किप किए देखना पड़ेगा एंड तक। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसलिए आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी डिफॉल्टर्स हो, आप लोग लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो और आप लोगों के पास नोटिस वगैरह आ रहा है, डरते हो, आप लोग बोलते हो कि इस नोटिस का क्या मीनिंग है, ये आ गया क्या होगा, जो भी नोटिस आ रहा है एडवोकेट के तरफ से फाड़ के फेंको, आग लगाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मानो आपने वहाँ पर लोन लेते टाइम ECS एक्टिवेट करा कर रखे हैं और आपके पास कोर्ट से समन का नोटिस आ चुका है और वो समन आपने फाड़ दिया, तो आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई सब नोटिस जो है फाड़ो, फेंको, आग लगा दो। भाई कोर्ट से अगर नोटिस आते समन टू एन अक्यूज लिखा होता है, कोर्ट का नाम लिखा होगा, स्टैम्प वगैरह होगा मजिस्ट्रेट का, जो भी होता है कोर्ट का, अगर वो है तो इग्नोर बिल्कुल भी करना नहीं है। जितना इग्नोर करोगे उसको उतना ही आप लोगों को मुसीबत झेलना पड़ सकता है। अभी के टाइम में एक नया कोर्ट का नोटिस आना चालू हो चुका है जो कि कोर्ट से ही आ रहा है। कोर्ट से अगर आ रहा है तो कोर्ट पर जाना पड़ेगा। कोर्ट में जो भी है मतलब नोटिस अभी आ रहा है उस कोर्ट में आप लोगों को जाना पड़ेगा। वो नोटिस क्या है मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ आखिर वो नोटिस है क्या। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, यहाँ पर जो भी नोटिस आया है ये कोर्ट से आया है। कैसे मैं बोल रहा हूँ ये कोर्ट से आ रहा है, देखिए इन द कोर्ट ऑफ लर्न 5th जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता, ठीक है, केस नंबर दिया गया है, पुणे वाला फिनकॉर्प भेजा है वर्सेस जिस भी बंदे को मिला है उसका नाम लिखा है। जो भी नोटिस आ रहा है उसमें आप लोग देखो कोर्ट का स्टैम्प लगा हुआ है। अगर कोई एडवोकेट भेजेगा कोर्ट का स्टैम्प नहीं होगा उसमें, सरकार का स्टैम्प है। अगर सरकार की कागज आ रहा है आपके पास तो सरकारी स्टैम्प उसमें होगा, ठीक है। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कोर्ट के तरफ से डायरेक्टली भेजा जा रहा है। और यहाँ पर जो भी नोटिस का है, कोई भी एक्यूज टू एन समन लिखा नहीं है, मतलब समन टू एन एक्यूज लिखा नहीं है, प्री कॉग्निजेंस नोटिस, ऐसा नोटिस आपके पास आ सकता है। आप लोग सोच सकते हो भाई ये नोटिस आ रहा है, मैं अमित भाई ने बोला था समन टू एन एक्यूज अगर आता है तो ही आप लोग उसमें ध्यान देना, बाकी जो है फाड़ के फेंक दो। कोर्ट का नोटिस कोई भी आए फाड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो है कोर्ट से नोटिस आ रहा है, लिखा है यहाँ पर जो भी है कंप्लेंट वेयर एज द कंप्लेनेंट एज फाइल्ड एन इंस्टेंट केस फॉर विच यू हेयर बाय डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर लैंड कोर्ट एंड पर्सन, डेट दिया गया है, टाइम दिया है, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई द कॉग्निजेंस शुड नॉट टेकन अगेंस्ट यू बट नॉट, मतलब आप लोगों के ऊपर क्यों ये जो केस किया जा रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो है एविडेंस आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी जो है यहाँ पर बाकी सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर मानो आप लोगों को इस तरीके का नोटिस मिल जाता है तो आप लोग कैसे इसको चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ई कोर्ट सर्विस में जाना पड़ेगा, कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा, स्टेट कौन सा कोर्ट है उसका नाम आप लोगों को मिल जाएगा, और उसके बाद आपका नाम लिखना, डेट लिखना, मतलब जो भी ईयर है वो लिखना, जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। सेक्शन 25 के ऊपर केस हुआ है यहाँ पर, पुणे वाला फिनकॉर्प जो है ये किया है सेक्शन 25, ECS अगर एक्टिवेट है तो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का प्री कॉग्निजेंस जो है यहाँ पर नोटिस अगर आ रहा है, इसका मतलब भी आपके पास एक समन ही आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को अलग अलग जगह से अलग अलग कोर्ट से आ रहा है तो अलग अलग कोर्ट का अलग अलग भाषा होगा, अलग अलग जो है कोर्ट का लैंग्वेजेस होता है तो वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अगर इस तरीके का नोटिस आता है तो सबसे पहले आप लोगों को जिस तरीके से समन टू एन एक्यूज आता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट को आपका सब कुछ जो है दिखाना पड़ेगा, एडवोकेट जो है सब कुछ कर देगा यहाँ पर काम, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, एट द एंड तक सेटलमेंट हो जाता है, कोई भी ऐसा चीज़ें होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ अभी के टाइम में नया जो है शुरू हुआ है, अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास गया है, बहुत सारे लोग फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आता है तो आप लोग सीधा कोर्ट में जाइए, वहाँ पर एडवोकेट हायर करिए, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन आप लोगों को जो भी है यहाँ पर यहाँ से निकलने में जो है आसानी हो जाएगा, ठीक है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है, जो भी नोटिस आप लोगों को दिखाया है, ये नोटिस आपके पास आ सकता है अगर आपका ECS एक्टिवेट है तो, ठीक है। अगर मानो पुणे वाला फिनकॉर्प से अगर आपने लोन लिया है तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है, इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।